ग्वालियर की महारानी राजमाता माधवी राजे सिंधिया पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। उन्हें उनके बेटे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुखाग्नि दी। बता दें कि 16 मई की शाम सिंधिया की छतरी पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रानी महल में रखा गया, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। उन्होंने भी राजमाता के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी क्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि राजमाता के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ राजमाता के सबको छोड़ के चले जाने से अपूर्णीय क्षति हुई है। सिंधिया परिवार के साथ साथ पूरे ग्वालियर चंबल संभाग और पूरा मध्य प्रदेश शोकाकुल है। उनके चरणों में श्रद्धांजलि और ईश्वर से प्रार्थना है कि इस गहन दुख माँ की छाया बहुत बड़ी छाया होती है, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को शक्ति ईश्वर दे उस गहन दुख को सहन कर सके। माधवी राजे सिंधिया जी को आज श्रद्धा के सुमन मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें अर्पित करता हूँ। हम सबके लिए दुख की घड़ी है कि राजमाता जी हमारे बीच में नहीं है, और ऐसे दुख की घड़ी में हम सब सिंधिया परिवार के साथ खड़े हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको श्री चरणों में स्वर्गवासी वो स्थान दे, और उनके ऊपर जो इतना बड़ा पंचतत्व हुआ है भगवान उन्हें माननीय सिंधिया जी से लेकर के पूरे परिवार को शक्ति प्रदान करे। होने में भारतीय जनता पार्टी की ओर हम लोग जब युवा मोर्चे में काम करते थे तब पूज्य राजमाता साहब की उस अंत्येष्टि के समय में मैं उपस्थित था। आज फिर सिंधिया परिवार की राजमाता पूज्य राजमाता की दुख के घड़ी में हम सब यहाँ पर सिंधिया परिवार का दुख बांटने के लिए और उस शोक के क्षण पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं।